स्त्री को हमेशा इस दिशा में मुँह करके लगाना चाहिए सिंदूर। पति की लंबी उम्र होती है। वास्तुशास्त्र में शादी के बाद महिलाओं के लिए सुहाग की निशानियों में सबसे ज़्यादा खास सिंदूर को माना गया है। महिला के मांग में चमकता सिंदूर उसके सौभाग्यशाली होने को दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाएं जहां माथे के बीचों बीच सिंदूर लगाती हैं, उस भाग को महिला की सुरक्षा और उनके मन की शांति का स्थल माना गया है। ऐसे में खास जगह सिंदूर लगाने का विधान शास्त्रों में है। यह पति को किसी भी दुर्घटना और किसी भी तरह के अशुभ प्रभावों से बचाने वाला होता है। ऐसे में महिला जब अपनी मांग खुद से भरती है तो उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे उनके वैवाहिक जीवन में खूब खुशियां आती हैं और उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं को ऐसी डिब्बी में सिंदूर को रखना चाहिए जो कहीं से टूटा या खंडित ना हो, नहीं तो यह आपके जीवन में परेशानी लाने वाला होगा। वहीं महिलाओं को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस डिब्बी से वह सिंदूर लगाती है उससे किसी दूसरे को सिंदूर नहीं बांटना चाहिए। वहीं सिंदूर किसी भी हालत में महिला को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके नहीं लगाना चाहिए। इससे उनके जीवन पर बुरा असर पड़ता है और उनके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। वहीं कभी भी महिलाओं को आड़ा तिरछा या इधर उधर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यह भी जीवन को मुसीबतों से भर देगा। सिंदूर को बालों में लगाने के बाद छिपाना भी नहीं चाहिए। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके सिर पर चुन्नी या साड़ी का पल्ला हो। खुली मांग को कभी नहीं भरना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य में कमी आती है। इसकी वजह से माता लक्ष्मी भी आपसे अवरुष्ट हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।